जब केदारनाथ में फ्लड आया था उस समय ये इनके शोल्डर तक पानी आ गया था, मतलब आप समझ सकते कि ये पूरा एरिया। हाउस द जोश। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है पीछे अपना होटल आर्यन रिजॉर्ट। और अभी मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण झूला की तरफ। लक्ष्मण झूले के पास ही है त्रंबकेश्वर मंदिर, राम झूला, और उसके पास है जानकी सेतु। तो ये सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। और लक्ष्मण झूले के लिए जो स्टोरी है वो मैं आपको वहीं पे चल के बताता हूँ कि क्यों बना था लक्ष्मण झूला। और अभी मैं जा रहा हूँ सो होटल के पास से, क्या पतली पतली ये गलियाँ हैं, सो यहाँ से ये एक शॉर्टकट है, उससे जा रहा हूँ। यहाँ पे ठंड अभी ठीक ठाक है, मॉर्निंग में तो ठीक ठाक ठंड है, दिन में मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है, लेकिन अभी तो मौसम ठंडा हो रखा है। ऋषिकेश इज़ एन एडिक्शन। तो ऋषिकेश बहुत अच्छा लगा। एक छोटे से प्लेस में आपको एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप एडवेंचरस लवर हैं तो आपको यहाँ पे राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और बंजी जंपिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप थोड़े से धार्मिक हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। सो कुल मिला के ये कह सकते हैं ऋषिकेश एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। सो ऋषिकेश इज़ एन एडिक्शन, जो पीछे लिखा था वो एकदम सही चीज़ लिखी थी। अभी मैं हूँ लक्ष्मण झूले पे, टाइम हो रहा है 7, और जैसे ही मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ लक्ष्मण झूले पे बहुत तेज़ हवा चली और यहाँ से व्यू बहुत अच्छे आ रहे हैं यार। रिवर का नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको। बहुत तेज़ हवा चल रही है और यहाँ पे इतना अच्छा फील हो रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि ये भी उड़ नहीं पा रहा। देखिए थोड़ा सा चलता है और देखिए फ्लो के साथ उधर चला गया। बहुत तेज़ हवा चल रही है बॉस, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। मतलब ये व्यू देखो यार इधर, और यहाँ पे दूर दूर तक लोग आए हुए हैं। और सामने है ये त्रंबकेश्वर मंदिर। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे नीचे इस एरिया में और इधर जाएंगे हम यहाँ पे। मुझे लगता है लक्ष्मण झूले के व्यू का जो असली मजा है ना वो मॉर्निंग में इसी टाइम पे है। इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है, जवान लड़खड़ा रही है। अब नीचे चलते हैं फटाफट। अभी हम लोग आ गए हैं नीचे, सामने वो है मंदिर, ये लक्ष्मण झूला, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इस पे वॉक कर रहे हैं ना तो ये देखिए पैरों के निशान बन रहे हैं, मतलब ये जो बालू है, रेत है, एकदम लूज हो रखी है। और यहाँ का व्यू यार, मैं इधर इसलिए था क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सनलाइट निकल रही है तब थोड़ी थोड़ी सी हवा कम होने लग रही है। और यहाँ पानी का फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन वाटर लग रहा है। और पानी के फ्लो की यहाँ पे देखो आवाज़ आ रही है भाई। पूरे ऋषिकेश में कल हमने एक्सप्लोर किया था नीलकंठ। अगर आपको नीलकंठ महादेव का वीडियो देखना है तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, बट आज जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
ये जगह ऐसी नहीं है कि आप ब्लॉग के थ्रू इसको फील कर पाए, ये वो जगह है, इसके लिए आपको यहाँ पे आना चाहिए और इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, इस वाइब को फील करना चाहिए। इस जगह को फील करने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के थ्रू मुझे नहीं लगता आप वो चीज़ फील कर पाएंगे जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ या जो यहाँ पर बैठे हुए और लोग कर रहे हैं। कई लोग ऐसे जो सिर्फ शांति से बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी जगह है। अब मैं आपको बताता हूँ लक्ष्मण झूले के पीछे की हिस्ट्री। इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी ने जूट की दो रस्सियों के साथ में इस गंगा रिवर को क्रॉस किया था। सबसे पहले यहाँ पे रूप का ब्रिज बना, उसके बाद 1929 में यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। पहले इस पे टू व्हीलर्स भी जाते थे, बट अभी इसकी कंडीशन की वजह से अभी इस पे व्हीकल्स का मूवमेंट बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक दूसरा इसी ब्रिज के पैरेलल में ही एक ग्लास का ब्रिज बनेगा। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि इस लक्ष्मण झूले का और इस जगह का व्यू जो है वो और अच्छा हो जाएगा। अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर। तो ये इस तरह बैरिकेडिंग लगा के यहाँ पे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर दी व्हीकल की, और अब फाइनली चलते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे शूज उतार के अब अंदर जाना है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से दर्शन करके आ गए थे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने अंदर का शूट नहीं किया। और जो मैं आपको ग्लास ब्रिज का बता रहा था वो यहाँ पे बन रहा है। ये ग्लास ब्रिज बनेगा इस ब्रिज के ही पैरेलल में, यहाँ से जाएगा वहाँ तक एंड तक। और अब हम जा रहे हैं उस लोकेशन पे, वहाँ से सामने का व्यू बहुत अच्छा है, इसलिए अब हम जा रहे हैं वहाँ से। यहाँ से आगे जाना है ऊपर और ऊपर से वहाँ जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं तपोवन घाट। तपोवन घाट से यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, सामने बहुत पास लग रहा है। मे भी कैमरे में थोड़ा सा दूर आपको फील हो रहा होगा क्योंकि वाइड एंगल है, बट एक्चुअल में बहुत पास यहाँ से व्यू है। इस जगह से ऋषिकेश की ब्यूटी कुछ डिफरेंट ही लग रही है। यहाँ का व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमको जाना है और नीचे, वहाँ एंड पे चलते हैं रिवर के पास। आज से कुछ साल पहले जब केदारनाथ फ्लड आया था तो ये जो एरिया है ये पूरा यहाँ ऊपर तक पानी चला गया था, ये पूरा यहाँ पे डूब गया था। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर का व्यू बहुत क्लियर है, एकदम पास में है। और जो सबसे अच्छा व्यू लग रहा है वो है इस गंगा रिवर का। अप्रॉक्स 8:30 हो रहा है, 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ राम सेतु की तरफ, उसके बाद जानकी पुल। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं राम सेतु, और हो सकता है अगर प्लान बना तो हम राफ्टिंग भी आज करेंगे। मन झूले से चलने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं राम झूले पे, और ये है सामने राम झूला। देखने में एकदम लक्ष्मण झूले की तरह लग रहा है, क्योंकि उसी तरह का ट्राई कलर पेंट किया हुआ है और उसी तरह का डिज़ाइन है। राम झूले और लक्ष्मण झूले में एक डिफरेंस देखने में नॉर्मली लग रहा है, वो है लक्ष्मण झूले में यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर था, बट इसमें यहाँ पर इस तरह बैठने के लिए बना हुआ है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे नहा रहे हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं राम झूले, और इसके पास में ही है आगे परमार्थ निकेतन या परमार्थ घाट कह सकते हैं। लक्ष्मण झूले के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे ये व्यू देखो, पानी का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन कलर का। लक्ष्मण झूले में टू व्हीलर की एंट्री वैन थी, बट यहाँ राम झूले पे टू व्हीलर जा रहे हैं। राम झूले के बाद यहाँ आगे है परमार्थ घाट, और उसके बाद है जानकी पुल। सो अब हम जाएंगे परमार्थ घाट। नॉर्मली देखें तो फिर परमार्थ घाट कल हम लोग रात में गए थे, गंगा आरती अटेंड की थी, बट मुझे लगता है कि एक बार डे का व्यू भी देख लेते हैं। राम सेतु से परमार्थ निकेतन है 400 मीटर पे, जानकी सेतु 900 मीटर पे। अब हम लोग आ चुके हैं परमार्थ घाट। कल यहाँ पर आरती जो देख रहे थे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, डे का नज़ारा कुछ और है। और शिव जी की ये जो मूर्ति है ये वो है जब केदारनाथ में फ्लड आया था, उस समय ये इनके शोल्डर तक पानी आ गया था, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एरिया डूब गया था, लेकिन बाद में बहुत जल्दी से ही इसको दोबारा से बना दिया गया। और भाई लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, बट हम सुबह सुबह ही नहा के आए थे। हाँ क्या हो गया, नहा लिया कुल्फी जम गई। परमार्थ घाट के एक तरफ है राम झूला, बीच में शिव जी की मूर्ति, और दूसरी तरफ है जानकी सेतु। खूब नहा लिया आज तुमने, है मजा आया? आता है गया। हाँ क्या दे रहे हो? मछली के दाने। लेकिन ये पानी का फ्लो इतना तेज है, मछली तो है ही नहीं। है, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, ये देखो यहाँ पे फिश। यार ऐसे नहीं दिख रही हैं, हैं? हाँ
से किसी को नहीं दिखेंगी। अच्छा, उन मछली को पता है ना। हाँ, दे दो दाने दे दो। ये मुझे लग रहा आटे का ही है। हाँ, शायद आटे का ही है। सो यहाँ पे ऐसे तो नहीं दिख रही होंगी, बट यहाँ पे फिश है। ये देखो, अभी देखना मैं उधर डालता हूँ, वहाँ पे डाला और ये फिश देखो खा गई। यहाँ पे डालो, ये देखो खा गई। मे बी आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, बट जब हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो फिश आके खा के जा रही है। परमार्थ घाट आने का सबसे अच्छा टाइम होता है शाम को, जब यहाँ पे आप आरती अटेंड कर सकते हैं, और अगर डे में भी आते हैं तो फिर यहाँ पे घूमने के बाद यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करें और फिर इसके बाद आप बाहर जा सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस लक्ष्मण झूला, क्योंकि अरविंद रेडी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट आगे का जो प्लान है, होपफुली शायद हम राफ्टिंग करने जाएंगे। तो लक्ष्मण झूला से आने के बाद अब कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत कम हो गई है। बैठते हैं, क्या ऑर्डर करना है भैया? आगे हम लोग का ब्रेकफास्ट मसाला डोसा ऑर्डर किया है, और उसके बाद अभी चाय और आ रही है, तो ये फिनिश करते हैं फिर आगे चलते हैं। टाइम कितना हो रहा है? 11:30। सो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट कर दिया। चेकआउट करने के बाद सामान सारा गाड़ी में रख दिया है, और यहाँ से चेंज करके अब हम लोग जा रहे हैं राफ्टिंग के लिए। अब टाइम आ गया हमारे ऊपर जाने का, मतलब ऐसा लग रहा बर्फ में डाल दिया। हाउस द जोश।